You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोग का। दोस्तों आज हम एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन लेके आए हुए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और वो क्वेश्चन ये है कि ये आपको एक काउंटर गिवन है, आपसे पूछा गया है इस काउंटर में कितने मोड्स होंगे और कौन कौन से मोड्स होंगे। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहला, इसमें मैं कुछ स्टेप बताने जा रहा हूं कि इस टाइप के सिक्वेंशियल सर्किट के जब क्वेश्चन आते हैं काउंटर से रिलेटेड तो करना क्या है। देखिए ध्यान देना है, सबसे पहला स्टेप तो आपका ये है, आपको ये पता कीजिए कि ये सिंक्रोनस काउंटर है या असिंक्रोनस काउंटर। असिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर भी बोलते हैं। तो बहुत आसान सा तरीका होता है पहचानने का, अगर एक किसी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे के लिए क्लॉक का काम कर रहा हो, एक का आउटपुट दूसरे के लिए किसका काम कर रहा हो, क्लॉक का। देखिए इसका आउटपुट इसके लिए क्लॉक का काम कर रहा है, इसका आउटपुट इसके लिए क्लॉक का काम कर रहा है, तो ये असिंक्रोनस यानी कि रिपल काउंटर का एग्जांपल होता है। अगर यहीं पे ऐसा होता कि एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट पे दिया जाता, क्लॉक पे नहीं इनपुट पे, ये क्लॉक होती है यहां इनपुट होता है, इनपुट पे दिया जाता तो फिर वो आपका सिंक्रोनस काउंटर होता, क्योंकि उसमें फिर सभी में एक साथ क्लॉक दी जाती। ध्यान रखना सिंक्रोनस काउंटर का मेन जो पार्ट होता है वो ये होता है कि सारे फ्लिप फ्लॉप में एक ही कॉमन क्लॉक दी जाती है, तो वहां पे बहुत आसान होता है पहचानना सिंक्रोनस काउंटर को। तो अब अगर आपने पहचान लिया है कि ये असिंक्रोनस यानी कि रिपल काउंटर है, क्योंकि एक का आउटपुट दूसरे के लिए क्लॉक का काम कर रहा है तो ये रिपल काउंटर है। तो ध्यान रखिए रिपल काउंटर का क्वेश्चन है तो वेवफॉर्म के थ्रू सॉल्व करना है, और अगर सिंक्रोनस काउंटर का क्वेश्चन है तो टेबल के थ्रू सॉल्व करना है। इसको हमने डिटेल में अपने वीडियोस में बताया था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो वीडियोस बनाए हैं हमने उसमें बहुत डिटेल में आप समझ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहले वेव फॉर्म बनाना है, और वेव फॉर्म किसकी बनाना है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आउटपुट भले ही क्यू ए क्यू बी क्यू सी से लिया गया है, लेकिन आपको वेव फॉर्म बनाना पड़ेगा क्यू ए बार क्यू बी बार क्यू सी बार की। ये हमेशा नहीं बनाना, ये तब बनाना है जब क्लॉक, देखिए जो क्लॉक जा रही है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को, वो क्यू ए बार से रही है। अगर क्लॉक जा रही होती QA से तो हम QA की वेवफॉर्म बनाते, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रिगरिंग कब हो रही है, कब लेवल चेंज हो रहा है। देखिए पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, कोई बबल नहीं लगा है, तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, सॉरी पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, यहां ट्रायंगल बना हुआ है, पॉजिटिव अगर रेक्टेंगल बना होता तो लेवल ट्रिगर, तो पॉजिटिव एज ट्रिगर है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वेवफॉर्म कब लो से हाई हो रही है, किसकी वेवफॉर्म जहां से ये क्लॉक जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या बनाना है, क्लॉक बनाना है, और सॉरी वेवफॉर्म बनाना है, और वेवफॉर्म किस किस की बनाना पड़ेगा आपको, उन आउटपुट्स की वेवफॉर्म बनाना है जिन आउटपुट से नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक दी जा रही है। तो देखिए यहां पे हमने क्लॉक बना ली है, ये हो गई हमारी क्लॉक। सबसे पहले पहले फ्लिप फ्लॉप पे जो क्लॉक दी है वो एक्सटर्नल क्लॉक है, तो जो हमने ये क्लॉक बना ली है। यहां पे हम साइड में स्टेप्स भी लिखते जा रहे हैं कि इस टाइप के काउंटर्स का अगर आपको मोड्स निकालना है तो स्टेप क्या होंगे, कैसे पता करेंगे। तो पहला स्टेप जो होता है वो आपको टाइप ऑफ काउंटर पता करना है। टाइप ऑफ काउंटर का मतलब है कि वो सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस। अगर सिंक्रोनस है तो डायरेक्ट टेबल से सॉल्व करना है, असिंक्रोनस यानी कि रिपल काउंटर है तो वेव फॉर्म से। तो ये चूंकि असिंक्रोनस है इसलिए हम वेव फॉर्म के थ्रू सॉल्व करेंगे। दूसरा स्टेप जो है वो अगर सिंक्रोनस होता तो हम टेबल बनाते, असिंक्रोनस है तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, वेव फॉर्म बनाएंगे। अब वेव फॉर्म किस की बनाना है ये इंपॉर्टेंट है, वेव फॉर्म उन आउटपुट्स की बनाना है जिन आउटपुट से नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक दी गई है। तो यहां पर देखिए एक क्लॉक तो एक्सटर्नल है तो ये तो सिंपली बना लो। अब कोई सोचता है जीरो से स्टार्ट करें या वन से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप जीरो से स्टार्ट कर लो चाहे वन से स्टार्ट करो। ध्यान ये रखना है कि देखिए पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, सॉरी पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, एज ट्रिगर्ड का मतलब ट्रायंगल बना हो तो एज ट्रिगर्ड, और अगर यही रेक्टेंगल बना होता तो लेवल ट्रिगर। ये होते क्या है इनको डिटेल में हमने अपने वीडियोस में बताया है। तो एज ट्रिगर्ड यहां पॉजिटिव है, बबल लगा होता तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होता। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर का मतलब होता है लो टू हाई, तो लो टू हाई पे हम एरो लगा दें, दैट मींस ये फ्लिप फ्लॉप अपना काम तब करेगा जब इसकी क्लॉक लो से हाई जाएगी। और फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है, इस फ्लिप फ्लॉप का देखिए सारे के सारे टी फ्लिप फ्लॉप हैं, सब में इनपुट वन दिया है, और हमें पता है टी मतलब टॉगल, जब इन पे इनपुट वन दिया जाता है तो आउटपुट इनवर्ट हो जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, उन आउटपुट्स की वेवफॉर्म बनाना है जिनसे क्लॉक दी गई है। देखिए इससे 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 भले ही नहीं दी गई है नेक्स्ट सबसे लास्ट वाले से, लेकिन उसको भी बनाना तो पड़ेगा तभी तो हमें मोड्स पता चलेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, एक लिखेंगे क्यू ए बार,
एक लिखेंगे क्यू बी बार, एक लिखेंगे क्यू सी बार। चूंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है कि इनिशियली वैल्यू इनकी क्या है, जब कुछ भी नहीं है तो हम जीरो मान सकते हैं सभी को। अदरवाइज जो क्वेश्चन में गिवन हो, अगर क्यू ए क्यू बी क्यू सी की वैल्यू जीरो 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 गिवन होती तो क्यू ए बार क्यू सी क्यू बी बार क्यू सी बार को हमें वन 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 लेके चलना पड़ता। तो यहाँ पे देखिए हमने सबको जीरो जीरो मान लिया इनिशियली, सभी को जीरो जीरो मान लेते हैं। अब आप देखिए कि पहले फ्लिप फ्लॉप के लिए ये क्लॉक है, तो जब जब ये क्लॉक की ट्रिगरिंग मिलेगी तब तब इसका आउटपुट इन्वर्ट होगा क्योंकि t की वैल्यू 1 है। तो देखिए यहां 0 था ये, तो फिर हो जाएगा ये 1, देन हो जाएगा यहां ट्रिगरिंग मिली तो 0, फिर हो जाएगा 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, और यही होता चलेगा क्योंकि t फ्लिप फ्लॉप में जब जब ट्रिगरिंग मिलेगी आउटपुट जो है वो टॉगल करेगा, मतलब इन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो आउटपुट है क्यू ए बार, ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का काम कर रहा है और क्लॉक में ट्रिगरिंग जो है वो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है क्योंकि बबल नहीं लगा। तो यहाँ भी लो टू हाई पे एरो लगा देना है, लो टू हाई पे हमने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। अब आप देखिए ये जो क्यू ए बार है ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक की तरह काम करने लगा, तो जब जब सेकंड फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगरिंग मिलेगी तब तब आउटपुट टॉगल होगा यानी कि इन्वर्ट होगा। तो देखिए आउटपुट इनिशियली हमने जीरो एज्यूम किया था, तो अब क्या हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1, जब जब ट्रिगरिंग मिलेगी किसकी, क्यू ए बार की, फिर हो जाएगा आपका 0, देन 1, देन 0। अब आप ध्यान दीजिए ये क्यूब, अब ये क्यू बी बार मिल गया, क्यू बी बार जो है वो थर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का काम कर रहा है और ये भी पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो यहां पे भी लो टू हाई पे हम एरो लगा दें, अगर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होता तो हाई टू लो पे लगाते। अब QC बार देखें, QC बार भी कब टॉगल होगा, जब जब इसकी जो क्लॉक है, क्लॉक क्या है QB बार, जब जब QB बार पे ट्रिगरिंग मिले। तो देखिए यहां ट्रिगरिंग है, यहां ट्रिगरिंग है, यहां ट्रिगरिंग है, तो इसको हम चेंज करते जाते हैं, ये हो गया हमारा। अब हमारे पास वेव फॉर्म बन के तैयार है, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। देखिए ये लो है तो 000, देन हुए 111, फिर देखिए 110, फिर 101, फिर 100, फिर यह है 011, फिर यह है 010, फिर 001, और फिर है 000, और देन फिर से 111 रिपीट होने लगा। अब हमारा मेन काम क्या है, हमें यहाँ पे लिखना है इनको सीक्वेंस में, टेबल के फॉर्म में, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल के फॉर्म में। तो थर्ड स्टेप क्या है कि जब वेव फॉर्म मिल जाए तो टेबल के फॉर्म में हमें आउटपुट लिखना है। अब आउटपुट अभी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, अभी तो हमारा बार के फॉर्म में है, तो पहले आप बार के फॉर्म में लिख लीजिए। यहां ध्यान रखना है एक्सटर्नल क्लॉक जिस फ्लिप फ्लॉप को दी गई है उसका आउटपुट एलएसबी पे रखा जाएगा। एलएसबी मतलब राइट साइड, मतलब लेफ्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो उसको राइट साइड में रखा जाता है, और एमएसबी मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बिट। एमएसबी मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बिट, एलएसबी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को इधर रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे QA बार, देन लिखेंगे QB बार, देन लिखेंगे QC बार। ये LSB पे आएगा, कौन सा, जिसको एक्सटर्नल क्लॉक दी गई है और बाकी सबको इंटरनल क्लॉक है। अब आप देखिए यहां से पहले क्या था, 000, तो ये 000, फिर ये देखिए 111, 111, पहले QC बार देखना है इसलिए हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, 110, तो 110, फिर देखना है 101, फिर आएगा आपका 100, फिर आएगा 011, फिर 010, फिर 001, देन 000, और फिर से आ जाएगा 111। कुछ लोगों को लगेगा कि यहां से उनको पता चल गया है कि ये काउंटर जो है वो, देखो ये तो हो गया 0, देन 7, ये 0 7 6 5 4 3 2 1, फिर 0, फिर अगेन 7, तो सबको लगेगा ये डाउन काउंटर है, लेकिन नहीं। आप देखिए आपने जो ये टेबल बनाई हुई है ये क्यू ए बार क्यू बी बार क्यू सी बार की बनाई हुई है, लेकिन क्वेश्चन में आउटपुट कहाँ से लिया गया है, क्यू ए क्यू बी क्यू सी से। तो अब आपको क्यू ए क्यू बी क्यू सी निकालना पड़ेगा, मतलब क्यू सी क्यू बी क्यू ए, एल एस बी पे किसको रखना है, जिसको एक्सटर्नल क्लॉक दी है। तो इसका सबका इन्वर्ट कर दीजिए, तो 00 का इन्वर्ट हो जाएगा 111, फिर 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, और देन फिर से आ जाएगा 000।
ये आ चुकी है आपको फाइनल आउटपुट की टेबल, लेकिन ये तब आंसर सही होता जो भी ये आ रहा है जबकि ये क्लियर प्रीसेट प्रीसेट ये असिंक्रोनस इनपुट्स नहीं लगे होते। अभी हमने ऐसा एज्यूम किया है कि ये जो नीचे कॉम्प्लेक्स सर्किट लगा है ना, ये ना हो तो ये आउटपुट आएगा। तो अब हम पहले देख लें कि विदाउट असिंक्रोनस इनपुट्स हमारा जो आउटपुट है वो कितना आया है। तो हमारा आउटपुट अब आ गया है, देखिए 7, फिर 0, देन 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एरो देखिए 7 से 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये तब होता ये सर्किल, इसको हम बोल देते अप काउंटर, जबकि ये असिंक्रोनस इनपुट्स नहीं होते। लेकिन चूंकि हमें पता है असिंक्रोनस इनपुट का काम क्या होता है कि जैसे ही ये एक्टिव होते हैं ये अपना काम करने लगते हैं। इनका काम क्या होता है, क्लियर का काम होता है क्यू को जीरो कर देना, क्यू बार को वन कर देना। प्रीसेट का काम होता है क्यू को वन कर देना, क्यू बार को जीरो कर देना। और ये अपना काम करते कब है, ये तब अपना काम करते हैं जब ये एक्टिव होते हैं। और एक्टिव कब होते हैं, ये कभी एक्टिव लो भी हो सकते हैं, एक्टिव हाई भी, एक्टिव लो। एक्टिव हाई का मतलब है कि कभी जीरो देने पे अपना काम करेंगे, कभी वन देने पे। हम कैसे पहचाने, अगर यहां बबल लगा होता तो समझ जाइए कि ये एक्टिव लो है, मतलब ये अपना काम तब करेंगे जब इन्हें जीरो दिया जाएगा। ध्यान रखना, एक चीज दी जाती है और एक ये अपना काम करते हैं। इनका काम क्या है, क्लियर का काम हमेशा रहेगा क्यू को जीरो कर देना, क्यू बार को वन। प्रीसेट का काम हमेशा रहेगा क्यू को वन कर देना, क्यू बार को जीरो। लेकिन ये अपना काम करेंगे कब, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। ये दो चीजों पे कैसे डिपेंड करती है, अगर ये एक्टिव लो है तो जीरो मिलने पे ये अपना काम करेंगे, एक्टिव हाई है तो वन मिलने पे। कैसे पता करेंगे एक्टिव लो या एक्टिव हाई, अगर यहां बबल लगा है तो समझ लीजिए एक्टिव लो है, मतलब जब इन्हें जीरो दिया जाएगा तो ये अपना काम करेंगे। इनके काम हमने बता दिए। अब यहां चूंकि बबल नहीं लगा है, दैट मीन्स जब इन्हें वन दिया जाएगा तब ये अपना काम करेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि जैसे ही इनको वन दिया जाएगा, तो वन मतलब यहां वन आना चाहिए सबको, तब ये सब अपना काम करेंगे। और वन कब आता है, एंड गेट में वन तब आता है जब सारे के सारे इनपुट क्या हो, वन हो। तो सारे इनपुट वन का मतलब ये वन इधर से गया तो इधर क्या हो जाएगा, जीरो। ये वन इधर वन होना चाहिए तो इधर क्या हो गया, जीरो। दैट मीन्स ये बता रहा है कि क्यू ए क्यू बी क्यू सी इनकी वैल्यू, देखिए क्यू सी की वैल्यू कितनी हो रही है, वन। क्यू बी की वैल्यू कितनी हो रही है, जीरो। और क्यू ए की वैल्यू कितनी हो रही है, जीरो। जब भी आउटपुट आएगा जीरो, क्यू ए का, क्यू बी का जीरो, क्यू सी का वन, यानी कि वन जीरो जीरो जब आउटपुट आएगा तो तुरंत एंड गेट पे मिल जाएगा वन। और एंड गेट पे जब भी वन मिलेगा तब ये अपना काम कर देंगे। जब ये अपना काम, तो ये देखिए ये अनस्टेबल स्टेट हो गई। अनस्टेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये आउटपुट मिलेगा हमें, तुरंत एंड गेट का आउटपुट हाई होगा। और एंड गेट का आउटपुट जैसे ही हाई होगा तो पहला ये वाला फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाएगा, ये वाला प्रीसेट हो जाएगा, ये वाला प्रीसेट हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारी ये स्टेट है ये ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाएगी, तुरंत हम किस स्टेट पे जंप कर जाएंगे, नेक्स्ट स्टेट पे जंप कर जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेट अब क्या आने वाली है, देखिए नेक्स्ट स्टेट का पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा क्लियर और प्रीसेट का काम। इसका काम क्या है, क्लियर का काम चाहे एक्टिव लो हो चाहे एक्टिव हाई हो, लेकिन क्लियर का काम हमेशा रहता है क्यू को जीरो करना। प्रीसेट का काम हमेशा रहता है क्यू को वन करना, अगेन प्रीसेट का काम हमेशा रहता है क्यू को वन करना। दैट मींस कि जब भी एंड गेट का आउटपुट वन आएगा, और एंड गेट का आउटपुट वन कब आ रहा है, जब ये वाली स्टेट आ रही है 100, तो एंड गेट का आउटपुट वन आ रहा है। जैसे ही एंड गेट का आउटपुट वन आएगा, सडनली ये क्लियर हो जाएगा, ये प्रीसेट हो जाएगा, ये प्रीसेट हो जाएगा, यानी कि क्यू सी की वैल्यू 1, क्यू बी की वैल्यू 1 और क्यू ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये नेक्स्ट स्टेट हो गई। तो ये दो स्टेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली जो स्टेट आई है वो 4 है, दूसरी जो स्टेट आई है वो 6 है। यानी कि जैसे ही 4 आएगा, 4 हो गई अनस्टेबल स्टेट, तुरंत 4 के बाद सीधा 6 पे जंप कर जाना है। जाना क्या चाहिए था, 4 के बाद 5 पे फिर 6 पे, लेकिन जैसे ही 4 आया तो 4 आने पे एंड गेट का आउटपुट होगा 1, और जैसे ही एंड गेट का आउटपुट 1 होगा तो ये क्लियर, ये प्रीसेट, ये प्रीसेट, मतलब सडनली हमें कौन सी स्टेट मिल जाएगी, नेक्स्ट स्टेट मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी, 5 पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए फाइनली हमारे काउंटर के मोड्स क्या होगा। कहीं से भी चलना स्टार्ट कीजिए, अगर हम 5 से चलना स्टार्ट किए तो 5 से गए 6 पे, 6 से 7, फिर 0,
फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। जैसे ही फोर पे आए तो फोर है अनस्टेबल स्टेट, और फोर से सीधा हम कहां जंप करेंगे, छह पे जाएंगे। अब दोबारा कभी पांच पे नहीं आ पाएंगे, तो छह सात जीरो एक दो तीन चार, और चार से सीधा छह। तो हमारे हिसाब से होना क्या चाहिए कि कहीं से भी स्टार्ट कर लो। इसमें सर्किल है, ये एक टाइप का हमने बताया था उसमें एक एग्जाम्पल देके, तो स्टार्टिंग कोई भी पॉइंट ले सकते हो। मान लो सात से स्टार्ट करें, तो सात जीरो एक दो तीन चार छह। लेकिन हमें पता है कि ये चार वाली जो स्टेट है ये बहुत जल्दी चेंज होगी, जैसे ही ये वाली स्टेट आएगी तुरंत छह पे जंप कर जाएगा, इसलिए इस स्टेट को कभी भी काउंट नहीं किया जाता है। ये भी हमने समझाया था आपको अपने वीडियोस में। दैट मींस अब हमारे पास सही मोड्स आ गए, जीरो वन टू, जीरो वन टू थ्री और सिक्स, और यही रिपीट होते रहेंगे, जीरो वन टू थ्री सिक्स एंड सो ऑन। अब किसी का आंसर और कुछ भी हो सकता है, कैसे, जरूरी नहीं सेवन से स्टार्ट करो, आप जीरो से स्टार्ट कर दो तो क्या आएगा, जीरो वन टू थ्री सिक्स, जीरो वन टू थ्री सिक्स, सॉरी यहां पे कुछ गलती होगी, सिक्स के बाद एक सेवन और आएगा, सिक्स के बाद सेवन। देखिए जीरो वन टू थ्री सिक्स और सिक्स के बाद सेवन, फोर को तो काउंट करना ही नहीं है, यहां पे भी आएगा, देखिए सेवन जीरो वन टू थ्री, और फोर को काउंट नहीं करना, तो सिक्स और सिक्स के बाद फिर से आएगा सेवन जीरो वन टू थ्री सिक्स। तो यहां से देखिए जीरो वन, अब ये सेवन छोड़ दीजिए, अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो जीरो वन टू थ्री सिक्स और सिक्स के बाद फिर सेवन, फिर जीरो वन टू थ्री सिक्स सेवन एंड सो ऑन। कुछ लोग जरूरी नहीं जीरो, किसी ने सात से स्टार्ट किया होता, किसी ने जीरो से, कुछ वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वन टू थ्री सिक्स सेवन जीरो, फिर वन टू थ्री सिक्स सेवन जीरो एंड सो ऑन। कुछ लोग चाहें तो टू से स्टार्ट कर दें, तो टू थ्री सिक्स सेवन जीरो, वन टू थ्री सिक्स सेवन जीरो वन एंड सो ऑन। कुछ लोग चाहें तो थ्री से स्टार्ट कर दें, तो थ्री सिक्स सेवन जीरो, वन टू थ्री सिक्स सेवन जीरो, वन टू एंड सो ऑन। और कुछ लोग चाहें तो सिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो सिक्स सेवन जीरो वन टू थ्री, फिर सिक्स सेवन जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ऊपर वाले ये भी आंसर, इतने सारे आंसर हो सकते हैं। लेकिन टोटल मोड कितने हैं वो देख लीजिए, एक सात है, एक जीरो है, एक वन है, एक टू है, एक थ्री है, एक सिक्स है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स मोड का काउंटर है, इसमें फोर स्टेट को हम काउंट नहीं करेंगे। तो फाइनली जो हमारा काउंटर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिक्स सेवन जीरो वन टू थ्री, और अगेन सिक्स सेवन जीरो वन टू थ्री। यहाँ पे ये सर्किल बना के रख लीजिए, और आप ऑप्शंस में देखिए कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपको ऑप्शन। मान लो वन से स्टार्ट हो तो आप बोलोगे वन टू थ्री सिक्स सेवन जीरो, फिर वन टू थ्री सिक्स सेवन जीरो। अगर आपके ऑप्शन टू से स्टार्ट हैं तो टू थ्री सिक्स सेवन जीरो वन, टू टू थ्री सिक्स सेवन जीरो वन। इस टाइप से आपका ये कितने मोड का काउंटर हो गया, सिक्स मोड का हमारे पास काउंटर आ चुका है ये। तो ये तो हो गए काउंटर के मोड, सिक्स मोड का काउंटर हो गया हमारे पास, और मोड्स कौन कौन से हैं वो भी बता दिए। कई बार क्या होता है वो इसी को सीक्वेंशियल काउंटर के फॉर्म में बोल लेता है, बोल देता है कि क्यू बी में क्या सीक्वेंस मिलेगा या क्यू सी में क्या सीक्वेंस मिलेगा, इस तरीके से भी पूछ लेता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो फाइनल मोड मिल गए हैं उनको बना लीजिए। देखिए छः सात जीरो एक दो, छः से स्टार्ट किया, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सिक्स सेवन जीरो वन टू थ्री, फिर सिक्स सेवन जीरो वन टू थ्री, सिक्स सेवन जीरो वन टू थ्री, उनको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। अब जिसका सीक्वेंस पूछा है, मान लीजिए आपसे क्यू बी का पूछा है, तो ये क्यू बी का सीक्वेंस आपको मिल गया, कितना मिल गया, वन वन जीरो जीरो, वन 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 एंड सो ऑन, फिर से आएगा जीरो जीरो, फिर से चार बार वन वन वन। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहां पे, देखिए वन वन, फिर जीरो जीरो, फिर वन 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 वन, जीरो जीरो, वन 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 वन, फिर जीरो जीरो, मतलब दो बार जीरो आ रहा है, चार बार वन, फिर दो बार जीरो, फिर चार बार वन, फिर दो बार जीरो, फिर चार बार वन। ये दो वन है, यानी कि इससे पहले वाले दो वन छूट चुके होंगे। तो अब आपको इसमें भी फिर वही करना है कि यहाँ से स्टार्ट करना, कि यहाँ से स्टार्ट। तो एक तो आंसर हो जाएगा वन वन जीरो जीरो, फिर वन 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 जीरो जीरो, वन 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 जीरो जीरो, मतलब फाइनल आंसर जो आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, जीरो जीरो वन वन वन,
फिर 001111, फिर 001111, 6 टोटल स्टेट मिल रही हैं, क्योंकि टोटल मोड कितने हैं, 6 हैं। तो यहां से अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो आएगा 0111, फिर 0, तो ये 6 हो गई, फिर 0111, फिर 0, एंड सो ऑन। अब अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो आएगा 1111, फिर 00, फिर 1111, फिर 00, फिर 1111, 00। अगर हम चाहते यही चेक करना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1100011, अगेन देखो 1100011। तो चूंकि कितने मोड हैं, 6 मोड हैं, तो ऐसे 6 टाइप के सीक्वेंस मिलेंगे। तो आप चाहे यहां से स्टार्ट कर दो तो 110011, फिर 110011, फिर 110011। अगर आप इससे स्टार्ट करोगे तो क्या आएगा, 100, फिर 111, यहां तक, फिर 100111, एंड सो ऑन। तो जितने मोड होंगे उतने सीक्वेंस आपको मिल जाएंगे। तो QB का सीक्वेंस आप बता सकते हो। अगर आपसे QA का सीक्वेंस पूछा गया तो QA का सीक्वेंस तो देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है, 010101, 01, 01, 01। QC का सीक्वेंस पूछेंगे तो 110000, फिर देखो 110000। अब इसी में अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो 100001, फिर 100001, अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो 4021, फिर 4021। तो ऐसे 6 टाइप के सीक्वेंस आपके मिल सकते हैं। तो एक ही काउंटर में आपसे नंबर ऑफ मोड्स भी पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से मोड्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट का सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। उसमें भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और इसमें भी कहां से स्टार्ट करें ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन देख के हमें पता करना होता है कहां से स्टार्ट करें। इसी टाइप के क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो इनपुट की फ्रीक्वेंसी दे दे या क्लॉक की फ्रीक्वेंसी दे दे। मान लीजिए एफ क्लॉक की फ्रीक्वेंसी दे दी उन्होंने कि 6 किलोहर्ट्ज़ है, और आपसे पूछा जाए आउटपुट की फ्रीक्वेंसी निकालो, तो आपको पता है कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है क्लॉक फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ मोड्स। ये हमेशा ध्यान रखना। तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी अगर 6 किलोहर्ट्ज़ है और नंबर ऑफ मोड इसमें कितने निकले हैं, 6 निकले हैं, तो ये 1 किलोहर्ट्ज़ आ जाएगी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी। हमेशा ध्यान रखना हर काउंटर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ क्लॉक अपॉन नंबर ऑफ मोड्स ही होती है। ये चीज हमें बिल्कुल याद रखना है, हर बार वो मत रट के रखना कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ क्लॉक अपॉन 2^n। वो 2^n तब ही होगा जब नंबर ऑफ मोड्स 2^n के बराबर हो। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ मोड्स 2^n के बराबर हो। तो ये एक हमारा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये चूंकि रिपल काउंटर का था, एक और हम सिंक्रोनस काउंटर का भी एक क्वेश्चन लेके आएंगे। तो हमारे वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, अगर आपको ये सब्जेक्ट्स डिटेल में पढ़ना है तो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट की लिंक भी हमारे चैनल पे डली हुई है। ऑर्डर में वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप रैंडम वीडियो देखोगे तो आपको पुराने वीडियो के जो हर वीडियो में जो लॉजिक होते हैं वो पुराने वीडियो से रिलेटेड रहते हैं, तो बिना पुराना वीडियो देखे आपको आगे का वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट में वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक में वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट का यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।